वेलकम बैक गाइस ऑन बैकबेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ओके, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, अनइंटेंडेड और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है, मॉनिटरिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नोन एज फार्माकोविजिलेंस। और जो मॉनिटरिंग करते हैं हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की, उसके लिए टर्म है फार्माकोविजिलेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, तो एक एक करके देखेंगे। सो गाइस, इसके लिए हमारे पास निम्नलिखित है, ए बी सी डी ई एफ। ओके, सो ये हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, ये हमारे पास निम्नलिखित है, तो देखते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले है ए, ऐसे है ऑगमेंटेड हाई डोज, जिसे हम टॉक्सिसिटी भी कहते हैं। ये जो है वो टॉक्सिसिटी प्रिडिक्टेबल होती है और प्रिवेंटेबल भी होती है। इसका एग्जाम्पल है हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन, तो ये हो गया हमारा ऑगमेंटेशन और हाई डोज। ओके, नेक्स्ट है बी से है बिजायर, बिजायर एट एनी डोज कॉजेस आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन, जो कि अनप्रिवेंटेबल होती है और अनप्रेडिक्टेबल होती है। और इसका एग्जाम्पल है एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन टू द पेनिसिलिन और एचएलजिन टाइपिंग। ओके, नेक्स्ट है सी, सी से है क्रोनिक यूसेज ऑफ ड्रग, तो ऑस्टियोपोरोसिस ड्यू टू प्रोटोन पम्प इनहिबिटर और पेप्टिक अल्सर ड्यू टू एनसेट्स। तो प्रोटोन पम्प इनहिबिटर ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर सकते हैं, ज़्यादा यूज किया तो उसका, और एनसेट जो है पेप्टिक अल्सर कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डी, डी से है डिलेड इमरजेंसी, जैसे कि टेराटोजेनिक ड्रग और सेकेंडरी कैंसर टू एंटी कैंसर ड्रग्स। ई से है सडन स्टॉपेज ऑफ द ड्रग, जिसे हम कहते हैं विड्रॉल रिएक्शन भी कहते हैं, जो कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म जो पेशेंट होते हैं क्रोनिक अल्कोहलिज्म के, उनमें जो है हमें यहाँ पे दिखाई देता है विड्रॉल सिम्टम। नेक्स्ट जो है एफ, एफ से फेल्योर ऑफ थेरापेटिक इफेक्ट, जिसका एग्जाम्पल है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन।